झारखंड में साल 2021 में हुई 4728 सड़क दुर्घटनाओं में 3513 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3227 लोग घायल हो गए। यह आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी ने जारी किए हैं। चार राज्य मिजोरम, पंजाब, झारखंड और यूपी ऐसे राज्य जहां सड़क दुर्घटनाओं में घायलों से अधिक मरने वालों की संख्या रही। अन्य राज्यों में सड़क दुर्घटना में मरने वालों से अधिक घायलों की संख्या रही है। रफ्तार, ब्लैक स्पॉट और सड़क में खोदे गए गड्ढों की वजह से रांची की सड़कें जानलेवा हो गई है। जिला सड़क सुरक्षा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि साल मात्र 7 महीने में ही सड़क हादसों में 275 लोगों की मौतें हो चुकी है, यानी हर माह करीब 40 लोग दुर्घटनाओं में जान गंवा रहे हैं। विभाग के अनुसार जनवरी से जुलाई तक जिले में 382 रोड एक्सीडेंट हुए, इनमें से 275 की मौत हुई, वहीं 236 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जनवरी और जुलाई में हादसों की संख्या बराबर रही, लेकिन सबसे अधिक 51 मौतें जनवरी महीने में हुई, वहीं जुलाई महीने में मृतकों की संख्या 46 रही। इधर सड़क हादसों की वजह से यातायात पुलिस की सुस्ती, पथ निर्माण विभाग, बिजली विभाग और जल संसाधन विभाग के बीच आपसी तालमेल में कमी को भी वजह माना गया है। वास्तव में यह चिंता की बात है कि जहां पे बाकी राज्यों में हम ये देख रहे हैं कि घायलों की संख्या ज्यादा रहती है बजाय मौत होने के, झारखंड में ठीक उलट है। यानी यहां पर अगर हादसा होता है तो मरने की संभावना ज्यादा रहती है और इसलिए मौत का आंकड़ा ज्यादा हो जा रहा है घायलों के मुकाबले। हम रुक करते हमारे सहयोगी दीपक का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा। दीपक, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर साफ चीज यहाँ पर नजर आती है कि कई एक मामले इसके पीछे हो जाते हैं। हादसे के पीछे एक सबसे बड़ी वजह तो हम खुद भी होते हैं, जैसा कि मैं लगातार कहता हूं कि अगर आज तेज रफ्तार में वाहन चला रहे हैं तो फिर आपके उस वाहन के अनियंत्रित होने की संभावना ज्यादा हो जाती है और वही वजह सबसे बड़ी वजह बनती है। तो लोगों को जागरूक किया क्यों नहीं जाता? सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, पखवाड़ा मनाते हैं, लेकिन लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं, उसका फायदा लोगों को क्यों नहीं मिलता, लोग प्रेरित क्यों नहीं हो पाते हैं कि उन्हें किस तरीके से वाहन चलाना चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से 2020-21 का जो आंकड़ा सामने आया है, एनसीआरबी ने जो जारी किया है, पूरे झारखंड की बात करें तो 4728 सड़क दुर्घटना हुई है, जिसमें से 3513 लोगों ने अपनी जान गंवाई है सड़क दुर्घटना में। अन्य राज्यों की अगर बात करें तो सड़क दुर्घटना से घायलों की संख्या अधिक है लेकिन मौत की संख्या कम है, लेकिन झारखंड में इसका उलट है। झारखंड में जो घायल होते हैं उसके बाद मृत्यु की संख्या दर अधिक है। कारण यही है कि यहाँ पर जो सड़क सुरक्षा अभियान जो चलाया जाता है और तरह तरह के जो कार्यक्रम आयोजित की जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में व्यापक तरीका से नहीं चलाया जाता है और यही वजह है कि लोगों में जागरूकता जिस तरह से फैलाई जानी चाहिए वो नहीं हो पाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची, जो कि डालसा है, न्यायपालिका का एक विंग है, वो समय समय पर इस तरह का कार्यक्रम हमेशा आयोजित करते रहती है, चाहे स्कूली बच्चों के साथ हो या फिर नवयुवक के साथ हो या समाज के लोगों के साथ हो। वो इस चीज़ों को लेकर के एक मुहिम की तरह लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग इस तरह के घटना से बच सके, ऐसे घटनाओं के शिकार होने से बच सके। सबसे अधिक अगर बात करें सड़क दुर्घटना की तो आपको नवयुवक का ही संख्या सबसे अधिक मिलेगा जो सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं और अपने जान गंवाते हैं। अगर अधिक आंकड़ा की बात करें तो अंडर 20 एज का ही आपको अधिक मिलेगा, जिसमें कि नाबालिग भी है, प्री मेच्योर भी मिलते हैं। खासतौर पे जब इस सड़क पे जब वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, तो वो स्नैक राइडिंग करके चलाते हैं और हाई स्पीड चलाते हैं। और जबकि सड़क की बात करें तो राजधानी रांची जिस तरह से विकसित हुआ उसके मुकाबले सड़क का जिस तरह से विकसित होना चाहिए वो अब तक नहीं हो पाया है। हर एक जगह जगह पर आपको देखने को मिलता है कि कहीं पे अचानक कोई कुत्ता आ गया तो उसके वजह से सड़क दुर्घटना हो जाती है या फिर अचानक कोई गड्ढा के वजह से लोग इसके शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह की घटना आम हो जाती है और लगातार इस तरह की गलती किसकी तरफ से ज्यादा रह रही है? मतलब एक तो ये बात है, राजधानी रांची की बात, एक तरफ तो ये कि आप नशे में चलाते हैं, तेज रफ्तार से चलाते हैं, दूसरी तरफ सड़कें खराब होती है और स्वास्थ्य की सुविधा आपको तुरंत से नहीं मिल पाती है। ज्यादा जिम्मेदारी किसके ओर जा रही है लेकर के? कहीं ना कहीं खुद भी लोग जिम्मेवार होते हैं, खासतौर पर नवयुवक जब वो सड़क पे अपने वाहन को दौड़ाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें एक जो
एक मापदंड होता है, यातायात नियमों का पालन करना होता है, उन तमाम चीज़ों को अनदेखी किया जाता है। शायद यही वजह है कि सड़क दुर्घटना के आंकड़े में इजाफा देखने को मिलती है और लोग अपनी जान गंवाते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची हमेशा इसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाती है। पुलिस विभाग के लोगों से भी दोनों जो पक्ष हैं दोनों को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ घटना जुड़े आप दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि दोनों को समझने की जरूरत है, एक जो वाहन चलाते हैं और दूसरा जो वाहन चलाने के लिए व्यवस्थाएं देते हैं यानी कि सड़क देते हैं या तमाम चीजें करते हैं, दोनों ही पक्षों को जागरूक होना पड़ेगा तभी इसमें हम कमी ला पाएंगे। शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।